कैसे ये कॉलेज स्टूडेंट सऊदी प्रिंस के रॉयल लाइफ खत्म कर सकते हैं, कैसे ये छोटा सा डिब्बा इतने बड़े बड़े बिजली के खंभे गायब करने वाला है, और जियो कंपनी ऐसी क्या चीज बनाने वाली है जो आज तक इस दुनिया में किसी ने नहीं बनाई। भाई 3 गिनने तक वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब मार दो, वरना मैं आपके चिप्स खा जाऊंगा। 1, 2, 3 आपने कर ही दिया होगा। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, क्या आप जानते हो स्टारबक्स एक कॉफी शॉप नहीं रहेगा, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं स्टारबक्स के मोस्टली कस्टमर यंग ही हैं, जो मोस्टली कोल्ड ड्रिंक्स पीना पसंद करते हैं, क्योंकि स्टारबक्स की 70% सेल्स इन्हीं से होती है। लेकिन सिर्फ ये एक चीज नहीं है जिसे लोग पसंद करते हैं, बल्कि लोग ज्यादा से ज्यादा अब फूड भी स्टारबक्स में ढूंढ रहे हैं, इसलिए स्टारबक्स काफी ज्यादा चीजें ट्राई कर रही है, जैसे फ्रेश ब्रेड, पेस्ट्री, वेजिटेरियन मील, सैलड्स और एग्स भी। स्टारबक्स सोच रहा है अगर इसकी ग्रोथ अच्छी होती है तो वो रेडी है टू ईट फूड प्रोडक्ट सेल करने के लिए। मतलब स्टारबक्स एक कॉफी शॉप ना होकर एक रेस्टोरेंट भी बनने वाला है। नंबर 2, जियो एक सुपर कंप्यूटर बनाने वाला है, वो भी दुनिया की सबसे बड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एनवीडिया के साथ मिलकर। जियो का AI क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे साइंटिस्ट और स्टार्टअप्स की हेल्प करेगा। साथ ही जियो ने ये भी कहा कि इंडिया के बहुत सारे AI चैटबॉट्स मेडिसिन, क्लाइमेट रिसर्च में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए एनवीडिया ने अपने सबसे पावरफुल एनवीडिया GH200 ग्रेस हॉपर सुपर चिप जियो को दिया है, जिसका मैनेजमेंट खुद जियो ही करेगा। इस चिप की पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि ये 900 GB/s की स्पीड से ट्रांसफर कर सकते हैं। बाप रे। नमस्ते, क्या आप जानते हो आपके जेब में जो भी सिक्के या नोट है वो गायब होने वाले हैं। जैसे कि आप अपने चारों तरफ देख रहे हो कि UPI सब तरफ बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हर कोई छोटे से छोटे बड़े से बड़े शॉप वाला, चाहे वो एक चाय वाला हो या फिर कोई मल्टी ब्रांड शोरूम, सब जगह UPI का यूज होता है। इसी तरह इंडिया में खुद गवर्नमेंट काम कर रही है कि डिजिटल करेंसी के यूज ज्यादा से ज्यादा हो सके। दिसंबर 2020 में CBDC ने ये लॉन्च कर दिया था, जिसने रुपए को डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट कर दिया, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जैसे बिटकॉइन। लेकिन बिटकॉइन की वैल्यू भी ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन इसे गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, जिससे इसकी कीमत ऊपर नीचे नहीं होगी। वरना आप सामान लेने निकले हो 500 रुपए डिजिटल रूपी लेकर, और पता चला शॉप पर पहुंचते ही उसकी वैल्यू गिरकर 100 डिजिटल रूपी हो गई है, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। नंबर 4, आप अपना घर बिना बिजली के चला सकते हो। भाई जैसे आपको पता होगा सब कुछ वायरलेस होता जा रहा है, और अब इलेक्ट्रिसिटी भी वायरलेस होने वाली है। बिट्रिसिटी नाम की एक कंपनी है जो एक टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, जिसका नाम है वायरलेस रेसोनेंस। इसमें पूरे रूम में मैग्नेटिक फील्ड को रखा जाता है, और फिर इस डिवाइस में ये मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट होगी तो वो डिवाइस काम करना शुरू कर देगा। वाओ। नंबर 5, ह्यूंडई। आपने कपड़ों के कई ब्रांड तो देखे होंगे, लेकिन आपने कभी ह्यूंडई कार के कपड़े देखे हैं? जी हाँ, ये कार कंपनी की फ्यूचर में क्लोथिंग भी बहुत एडवांस होने वाली है। मोटर कॉर्पोरेशन ने एक ऐसा वेस्ट एक्सोस्केलेटन बनाया जो ह्यूमन को सुपर ह्यूमन बना देगा। ये एक वेरिएबल रोबोट है जिसे इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर पहनकर बहुत हैवी काम कर सकते हैं। वैक्स वर्कर की एफिशिएंसी को और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। नंबर 6, अब अंधे लोग एक इंडियन की वजह से दुनिया देख पाएंगे। इस शख्स का नाम है आनंद तराई, और ये अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, जिन्होंने एक ऐसा चश्मा बनाया जिसे ब्लाइंड लोग कुछ हद तक देख सकते हैं। असल में ये चश्मा अल्ट्रासाउंड सेंसर और इंफ्रारेड सेंसर का यूज करता है। ये गॉगल एको लोकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करता है, जैसे कि एक बात करती है। इस गॉगल की हेल्प से ब्लाइंड लोग अपने 2 मीटर के एरिया में सेंस कर पाएंगे कि उनके आसपास क्या चीज है। इस टेक्नोलॉजी पर अब यूनिसेफ भी काम कर रही है। नंबर 7, आपने कंप्यूटर जैसा दिमाग तो बहुत देख लिया, लेकिन क्या आपने दिमाग जैसा कंप्यूटर देखा है? इंडियन साइंटिस्ट ने ब्रेन जैसा कंप्यूटर बना लिया है। साइंटिस्ट ने एक बहुत कम एनर्जी पर चलने वाला हाई स्पीड दिमाग जैसा कंप्यूटर बना लिया है, जिसमें इन्होंने एक खास तरीके की चीज स्कैंडिनेवियन नाइट्रेट का यूज किया है, जो एक सेमीकंडक्टर है, और इसकी स्टेबिलिटी के चलते इसे ब्रेन जैसा कंप्यूटर बनाया गया है। नॉर्मल कंप्यूटर में डिफरेंट टास्क अलग अलग जगह पर होते हैं, जैसे काम प्रोसेसर करता है और उन्हें याद करने का काम मेमोरी में होता है, जिसकी वजह से इधर उधर डेटा ट्रांसफर करना पड़ता है, जिससे ये बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। जबकि हमारा दिमाग बहुत अलग है, हमारे दिमाग में सिनेप्स जैसी होती है, हमारे दिमाग में ये सब नहीं होता, बल्कि हमारा दिमाग 2-in-1 दोनों काम कर लेता है। नंबर 8, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा कि आप कहीं जा रहे हो और आपकी कार का पेट्रोल खत्म हो गया। नहीं, इस बार मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हाईवे पर ऐसे बहुत लोग आपको मिल जाएंगे जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है, पर कई किलोमीटर दूर तक उन्हें पैदल जाना पड़ता है। लेकिन इस प्रॉब्लम का सलूशन एक इंडियन कंपनी ने निकाल लिया है, जिन्होंने ऐसी कार बनाई है जो पूरे 300 किलोमीटर चलती है सिर्फ 1 लीटर में। मार्च में 15 फीमेल स्टूडेंट्स की एक टीम है जो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, जो अपने कार के प्रोजेक्ट जिसका नाम आयरिश 2.0 था, उसके लिए इन्हें सिंगापुर में अवार्ड मिला था, जो
300 किलोमीटर चल सकती है, जो फ्यूचर में शायद हमें जल्दी रोड्स पर ये देखने को मिल सकती है, या फिर उसकी टेक्नोलॉजी हमें किसी और कंपनी की कार्स और ट्रक्स में देखने को मिल सकती है। नेमानाइट BMW विजन कार्स और हमारे चारों तरफ सिर्फ स्क्रीन से स्क्रीन होने वाले हैं। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि बैग्स तक में भी स्क्रीन डाली जाएंगी, लेकिन BMW की ये कार जिसके प्रोडक्शन बताई जा रही है 2025 में स्टार्ट हो जाएगी, उसमें कोई सामने स्क्रीन नहीं होगी, लेकिन फिर सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखेंगे कहाँ। असल में इसके लिए BMW ने इसका बहुत ही अमेजिंग सोल्यूशन निकाला है, क्योंकि इसमें कोई सामने डिस्प्ले नहीं होगा, बल्कि ये सामने वाला पूरा ग्लास ही स्क्रीन होगा, जिसकी हेल्प से आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाएंगे, जिसके 5 लेवल होंगे। लेवल 1 में आपको स्पीडोमीटर और नेविगेशन इन्फॉर्मेशन और फ्यूल वगैरह की चीजें मिलेंगी। लेवल 2 और 4 में इन्फॉर्मेशन ज्यादा बढ़ जाएगी। लेवल 5 में पूरा वर्चुअल असिस्टेंट जैसे कि ये स्क्रीन हो जाएगी, लेकिन ये मोड ड्राइविंग करने के लिए नहीं है, बल्कि ये तब यूज होगा जब कार आपको चला रही होगी और आप शांति से बैठे होंगे। इस कार का सबसे कूल फीचर तो आपने अभी तक नहीं जाना, जो है इसके अमेजिंग कलर चेंज करने की बात, जो सच में इसे बहुत यूनिक बनाता है। नंबर 10 लुई विटॉन दुनिया की सबसे लग्जरी ब्रांड में से एक है, लेकिन इनके फ्यूचर प्रोडक्ट्स के बारे में तो जानकर आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे। जैसे कि आप जानते हो फोल्डिंग स्क्रीन का क्रेज कितना ज्यादा चल रहा था, तो इसी बात का फायदा उठाया इस कंपनी ने भी, ये कुछ अलग ट्राई करने का ट्राई किया। 2020 में इन्होंने न्यूयॉर्क के एक फैशन शो में अपना एक ऐसा बैग दिखाया जिसमें फोल्डिंग स्क्रीन लगी हुई है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि फ्यूचर में हम ऐसे ही प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, जैसे शर्ट जिनके अंदर स्क्रीन होंगे, या फिर पूरे LED लाइट्स लगी होंगी जिनके अंदर आप उसमें से ही मैसेज डिस्प्ले कर सकते हो। वाओ। नंबर 11 क्या कभी आपने सोचा है कि आपके घर में किसी दिन कोई रोबोट खाना बना रहा होगा? ऐसे आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि रोबोट खाना बना रहे हैं, लेकिन कोको कोला ने इस चीज को एक और स्टेप आगे ले गया, क्योंकि इन्होंने पहली ह्यूमन और AI की हेल्प से ड्रिंक बनाई है जिसका नाम है Y3000, और इसके नाम के पीछे काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कोको कोला की स्टार्टिंग 1886 में हुई थी और ये आज तक इतनी ज्यादा पॉपुलर है, और इसी सोच के साथ इन्होंने ड्रिंक को बनाया था कि अगर ये ईयर 3000 में भी कोको कोला इतनी फेमस होती है तो कैसा टेस्ट करती है। इसलिए कोको कोला ने पूरी दुनिया में कोको कोला पीने वाले लोगों के इमोशंस, कलर, फ्लेवर, सारी चीजों को AI की हेल्प से मिलकर Y3000 जीरो शुगर ड्रिंक को इन्वेंट किया है, जो बहुत ही लिमिटेड जगहों पर अवेलेबल होने वाली है, और वो भी बहुत लिमिटेड टाइम के लिए। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आप जानते थे कि कैसे आपका अलार्म क्लॉक आपको जगाने की बजाय आपको मौत की नींद सुलाने में लगा हुआ है, और भाई कैसे बस एक बटन को दबाने से आपका फोन बिजली की तेजी से चार्ज होगा और आपको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। भाई इसे जाके अभी देखो, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और हाँ, ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करके ही जाना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी कर देना यार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।